बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी है। बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना में बीती रात जहरी बूथ चलाने वाले और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर 50 वर्ष के अजय शाह अपने डेयरी बूथ पर थे। आरोप है कि रात में दो लोग आए, उनसे पहले कहा सुनी हुई और इसके बाद अजय शाह को गोली मार दी गई। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या के आरोपी कौन है और हत्या की वजह क्या है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है उससे कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर बीती रात डेयरी बूथ चलाने वाले बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र की है और हमारे सहयोगी परमानंद जुड़ गए। परमानंद, जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, क्या चीजें निकलकर इससे सामने आ रही है? ये बता दें, ये राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी का है और ये नहर के पास की का घटना है। और सबसे बड़ी बता दें कि वहाँ आस पास से काफी चहलकदमी रहती है। रात के 10 बजे की घटना है वो चहल, और उस जगह पर काफी बड़ा मार्केट भी है। उसी जगह अजय कुमार, जो पूर्व में महामंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर वह रह चुके हैं, अभी वर्तमान वह अमूल पार्लर का दुकान किए हुए थे। और 10 बजे की लगभग 2 की संख्या में अपराधी आए और पहले कुछ बातें हुई और उसके बाद दनादन 2 गोलियां चलाई, दोनों गोली उनके लगी। और परमानंद, जो परिजन है उनके क्या आरोप हैं? क्या ये राजनैतिक आशंका लग रही है या फिर ये कोई निजी रंजिश का मामला था? देखिए, उनके भतीजे जो है रोहन गुप्ता, उनसे भी मेरी बात हुई। उनको कहना है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कि क्योंकि कयास ये भी लोग लगा रहे हैं कि लूटपाट की घटना को लेकर भी हो सकता है या एक पहले किसी से विवाद नहीं था। पुलिस का कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया परमानंद आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।